दोस्तों मैं लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट। बाप दादाओं की कृषि की भूमि बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों, महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, किसी को ज्ञात नहीं। तो ये लेटेस्ट अपडेट देख रहे दोस्तों, बाप दादाओं की खेती की जमीन किसी भी बाहरी व्यक्ति को अब नहीं बेची जा सकेगी, क्योंकि धारा कृषि भूमि अधिनियम 22 के तहत ये स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बाप दादाओं की संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी, क्योंकि क्योंकि धारा 22 में प्रावधान में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बाप दादाओं की भूमि किसी व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचे जा सके, क्योंकि पहली प्राथमिकता वहां के व्यक्ति जो अपने रिलेशन वाले हैं उनको ही बेची जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज सुनाया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको लेटेस्ट अपडेट इस वजह से बताना चाहता हूँ कि कोई भी बाहरी व्यक्ति द्वारा अब किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकेंगे और नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये अपडेट महत्वपूर्ण अपडेट भेजी और महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि क्योंकि कोई भी कृषि भूमि अपने बाप दादाओं की भूमि है वो अपने परिवार वालों को ही बेच सकते हैं, क्यों नहीं कि बाहर वाले व्यक्तियों को। ये किसी व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को निचले कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। इसलिए सभी व्यक्तियों से मैं अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही बड़ा अपडेट बाहर निकल के आया है कि बाप दादाओं की खेती जमीन किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये लेटेस्ट अपडेट इस प्रकार आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कृषि भूमि अधिनियम 22 में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी पैतृक या जो अपने बाप दादाओं की जमीन है वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सक, क्योंकि इसी वजह से वो अपने घर के व्यक्ति को पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस अपडेट इस फैसले में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि क्योंकि दो व्यक्ति थे वो अपने हिस्से की जमीन किसी व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति को बेच दिए बिना पूछे, तो उसने पहले हाई कोर्ट उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला इस एकल पीठ द्वारा सुनाया गया है। इसलिए दोस्तों मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, इससे आपको आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे अपने दोस्तों को अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको मालूम पड़े कि अब किसी भी व्यक्ति द्वारा बाप दादाओं की जो खेती की भूमि है उसे बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा है कि अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, जो आपको अच्छा लगे तो।